माता अदिति के कुंडल भगवान ने वापस कर दिए, वर्णों का छत्र वापस कर दिया। अब कुंडल कोई इतनी बड़ी वस्तु तो नहीं है कि उसके लिए इतना प्रयत्न किया जाए। कुंडल ये कोई साधारण कुंडल नहीं थे। इन कुंडलों से हमेशा रक्त अमृत टपकता रहता था, और ऐसे चमत्कारी कुंडल थे कि उन कुंडलों को जो भी स्त्री धारण करेगी वह हमेशा नव यौवना रहेगी, कभी बूढ़ी ही नहीं होगी। ऐसे चमत्कारी कुंडल कि वह कुंडल को जो स्त्री अपने कानों में धारण करे कभी बूढ़ी होगी ही नहीं, हमेशा जवान रहेगी। काश ऐसे कुंडल आज भी मार्केट में मिलते तो मुझे लगता है कि चाहे पति देव के छाती में बंदूक भी रखनी पड़ जाती ना तो रख देती कि जाओ जाकर के कुंडल लेकर के आओ। अपितु शादी के पहले ही डिमांड हो जाती स्त्रियों की कि भाई वो कुंडल अगर लेकर के दोगे तो शादी करें, नहीं तो नहीं करें। शुक्र है कि नहीं मिल रहे आजकल वो कुंडल, बहुत तेरा झगड़ा कम है क्या, पहले क्या कम है जो और बढ़ाते है? ऐसे दिव्य कुंडल थे और भगवान ने वह कुंडल माता अदिति को वापस लौटा दिए। हमारे ठाकुर जी बहुत ही विनोदी हैं। एक बार बैठे हुए द्वारका में बहुत शांत गंभीर, कुछ बोल रहे नहीं रहे, न मुस्कुरा रहे हैं, न कुछ हिलते हैं न डुलते हैं, बस शांत गंभीर ऐसे बैठे। रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु क्या बात है, आज इतने गंभीर कैसे हो? क्या नहीं बस ऐसे क्या, प्रभु बताओ तो सही क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या नहीं देवी बस, नहीं प्रभु बताएं तो सही, आप जब मेरी गलती को बताएंगे तभी तो मैं उसका सुधार कर पाऊंगी, आप मेरी गलती ही नहीं बताएंगे तो मैं उसका सुधार कैसे करूंगी, बताएं तो सही। भगवान ने कहा कि देवी एक गलती हो तो हम उसको बता भी दें, अब गलती पे गलती गलती पे गलती आप करेंगी तो कहां तक कब तक बताऊंगा मैं। रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु बताओ तो सही, ज्यादा ना बताओ तो दो चार ही बताओ, लेकिन बताओ तो सही, मुझे पता तो चले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी तुमने हमारे साथ में विवाह करके सबसे बड़ी गलती की, तुमने हमारे साथ में विवाह क्यों किया बताओ, क्या देख करके विवाह किया? क्या ये देख करके विवाह किया कि हम बहुत बड़े वीर पराक्रमी योद्धा हैं? अरे जरासंध ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम डर के मारे भागे और आकर के यहां पर द्वारका में रहते हैं बीच समुद्र में। भगोड़ा कहते हैं लोग हमें, रणछोड़ कहते हैं, एक छत्री के लिए इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है? तुमने एक भगोड़े के साथ विवाह किया, ये गलती नहीं है? तुम सोचो कि अरे हम बड़े सुंदर हैं, खूबसूरत है, शायद हमारे रूप में रीझ करके तुमने हमारे साथ विवाह किया हो, सो भी बात नहीं है देवी। एक तो हम पैदाइशी काले थे, फिर काली नाग को नाथा उसने फुफकार मारी तो और ही ज्यादा काले हो गए, काला कलूटा आदमी कोई सुंदर होता है? क्या देख के विवाह किया तुमने हमसे? तुम अगर ये सोचते हो कि हम बड़े कुल खानदान के हैं, यहां भी गड़बड़ है। कोई कहता है कि नंद का बेटा है, कोई कहता वसुदेव का बेटा है। अरे जिसके बाप का ठिकाना नहीं है उसके साथ में तो तुमने विवाह किया है? विवाह में पद कहते हैं लाला दुई बापन के जाए,
ये कितनी बड़ी गाली है किसी के लिए। अब मुझे लगता है कि तुम ये साधु संत महात्माओं की बातों के बहकावे में आ गई, क्योंकि ये साधु संत महात्मा मेरी ज्यादा बड़ाई करते रहते हैं ना कि बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बड़े सुंदर हैं। तो पता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। इनके पास में खुद तो कुछ होता नहीं, दूसरों को भी बाबा जी बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोटा सोटा लंगोटा बस इतना ही होता है इनके पास में, यही बस मेरा गुण गाते हैं। धनी मानी व्यक्ति को फुर्सत ही कहाँ है जो मेरा गुणगान करेगा। अगर इनके बहकावे में आकर के तुमने मेरे साथ में विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये कोई बात नहीं है, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला था, तुम्हारे भाई भी यही चाहते थे और शिशुपाल भी अभी भी जिंदा है, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ में करा दें। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते हैं। और यह मजाक भगवान पता है कब कह रहे हैं, जब नाती पोते वाले हो गए। जब नाती पोते हो गए भगवान के, तब भगवान ये विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आज की कोई जनानी होती ना इतनी बात कहने पे कोर्ट में केस कर देती, मुकदमा चल रहा होता आपके यहीं पर हाई कोर्ट में, कि ज्यादा ही बड़बड़ बड़बड़ करते हो। लेकिन माता रुक्मिणी बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण घबरा गए कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि गुस्सा होकर के दो चार खरी खोटी बातें सुनाएंगी, अरे ये गुस्सा तो हुई नहीं, ये तो बेहोश हो गई। भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, दो हाथों से रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, एक हाथ से जल का छींटा दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं। और जब रुक्मिणी जी होश में आई तब कहते हैं भगवान के, रे देवी तुम तो बुरा मान गई, मैं तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, मेरी जितनी पत्नियां है ना सभी बारी बारी से मेरे से रूठती रहती हैं और मैं उन्हें मनाता हूं, लेकिन तुम मेरे से कभी भी नहीं रूठी। मैंने सोचा कि जब रुक्मिणी गुस्सा होंगी तो कैसी लगेंगी, मैं देखूं तो सही, लीला पुरुषोत्तम जो ठहरे। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु चाहे आपने मजाक ही किया था, विनोद ही किया था मेरे साथ में, लेकिन बात बड़े रहस्य की आपने की। आपने कहा कि आप रण छोड़ करके भागे, तो प्रभु आप रण छोड़ करके क्यों भागे, क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया था और ब्राह्मणों से कहा था कि अगर इस बार मैं युद्ध में पराजित हो गया तो तुम सबकी बलि दे दूंगा, तुम सबको मार दूंगा, तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आप रण छोड़ करके भागे थे। आपने कहा कि हमारे बाप का ठिकाना नहीं है। अरे प्रभु आप तो परम पिता परमात्मा है, आपका पिता कौन हो सकता है, ये तो आपकी भक्त वत्सलता है, आपकी दयालुता है, आपकी करुणा है कि आप किसी को पिता बना लेते हैं, आप किसी को माता बना लेते हैं, आप किसी को भाई बना लेते हैं, आप किसी को सखा बना लेते हैं, ये तो आपकी दयालुता है। वैसे तो आप जगत पिता हैं।
और मेरी अगर पूछे कि धनी कौन है तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, सारे संसार में चाहे दुनिया के लोग उसे निर्धन गरीब कहें, अगर उसके हृदय में आपके नाम और भक्ति का धन है तो सर्वश्रेष्ठ धनी वही है संसार में। और इन भक्तों के पास में, संतों के पास में, वैष्णवों के पास में तो आपके भक्ति रूपी धन होता है, आपके प्रेम के धनी होते हैं ये भक्त लोग। और भगवान ने कहा था कि मैं सुंदर नहीं हूं, काला का लूटा हूं, तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? क्योंकि कोई भी कन्या किसी काले कलूटे बदसूरत लड़के से विवाह नहीं करना चाहती। एक नीति श्लोक आता है कि कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना। कन्या का जो पिता होता है वह यह चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह किसी अच्छे पढ़े लिखे समझदार लड़के के साथ में हुए, जिससे समाज में समझदारी की बात करे, कोई बेवकूफ़ी वाली बात ना करे जिससे मेरी बदनामी हुए। माता की इच्छा होती है कि मेरे कन्या का विवाह जहाँ पर हो, जिस घर में हो, वह धनाढ्य हो, जिससे मेरी बेटी को खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, घूमने फिरने की, गाड़ी आदि की कोई तकलीफ ना हो, खूब सुख में मजे में रहे, है ना? ये माताओं की कामना होती है। और जो कुल खानदान के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा चाहे कुछ मतलब ना हो, लेकिन उनकी एक कामना भी रहती है कि हमारे कुल की लड़की किसी अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जावे। लेकिन जो बराती होते हैं वो क्या चाहते हैं? आप लोग भी बहुतों की बारात में गए होंगे, जाते रहते होंगे भाई, हैं? मिष्ठानम इतरे जना, बरातियों को तो बढ़िया दावत भोजन पानी होना चाहिए बस। और कन्या क्या चाहती है? कन्या वर्यते रूपम, कन्या चाहती है कि जिस लड़के से मेरा विवाह हो वो लड़का सुंदर हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, कि कम से कम बगल में चले तो लगे तो सही, उसकी सहेलियां ये तो ना कहे कि अरे क्या पकड़ लाई है, हैं? कम से कम मेल का तो हो। तो माता रुक्मणी कहती हैं कि प्रभो आप काले हो तो ये दशा है कि दुनिया आप पे न्योछावर है, अगर गोरे होते तो क्या होता, हैं? हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, शुक्र है कि तुम लाला हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे राधे। प्यारे भगत प्रेमियों, बाणासुर की पुत्री उषा ने एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और स्वप्न में ही उसके साथ में विहार कर रही थी कि अचानक उसकी निद्रा खुल जाती है, हा कांत कहकर के व्याकुल होने लगती है। तब उसकी सहेली चित्रलेखा ने कहा कि अभी तो तुम्हारे विवाह ही नहीं हुआ, शादी ही नहीं हुई, फिर तुम्हारा कांत प्रीतम कहाँ से आया? तब उसने कहा कि सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर सांवले सरोने राजकुमार का दर्शन किया है, वो मेरे साथ में विहार कर रहा था कि मुझे अतृप्ता अवस्था में छोड़ करके चला गया, मैं अगर विवाह करूँगी तो उसी राजकुमार के साथ में करूँगी, नहीं तो विवाह ही नहीं करूँगी। उसकी सहेली ने कहा, चित्रलेखा ने, कि अरे उसका कोई पता ठिकाना हो, किसका बेटा है, कौन है, क्या है, तो उससे बात भी की जाए, अब तुमने स्वप्न में देखा है, स्वप्न से क्या पता चले, तुम्हें भी कुछ पता हो तो भी जाके बात करें, का जो भी हो उसका पता लगाओ, मैं तो उसी राजकुमार के साथ में विवाह करूंगी। चित्रलेखा
उस समय के जितने भी अच्छे सुंदर सुंदर राजकुमार थे उनके चित्ते बना बना करके दिखाने लगे क्या कि ये हैं क्या, ये हैं क्या, ये हैं क्या, कि नहीं नहीं नहीं। तब बहुत देर बाद उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, तब उसने कहा कि इनसे शकल मिलती है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो कहा कि इनसे शकल और मिलती है। अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो शर्मा करके नेत्र नीचे कर देती है, कहती है कि यही है। और सोते हुए अनिरुद्ध को चित्रलेखा उठा करके ले आती है। दोनों का गांधर्व विधि से विवाह हुआ। चौपर खेल रहे थे, एक बार तो हंसने की जोर से आवाज हुई तो बाहर जो सैनिक खड़े थे उन्होंने सुन लिया। वह जाकर के बाणासुर से बोले कि तुम्हारे पुत्री की कक्ष में कोई पुरुष के हंसने की आवाज हमने सुनी है। तब बाणासुर आया क्रोध में और युद्ध हुआ। उसने नाग पास में अनिरुद्ध जी को बांध लिया। नारद जी द्वारका गए और जाकर के कहते हैं कि प्रभु आपने इतना बड़ा खानदान कर तो लिया है, आपको पता भी रहता है कि कौन है कौन नहीं है। भगवान का खानदान बहुत बड़ा था, 16,108 तो भगवान की रानी पटरानी थी और एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री, 16,108 × 11। आप हिसाब किताब लगाते रहना, अभी नहीं बाद में। इतना बड़ा खानदान था भगवान का। तो भगवान ने सब की हाजिरी लगाई तो अनिरुद्ध नहीं थे। तो क्या अनिरुद्ध कहाँ है? तब नारद जी ने कहा कि बाणासुर के कारागृह में बंद हैं। भगवान श्री कृष्ण विशाल सेना को लेकर के आए। बाणासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। बाणासुर के 1,000 हाथ थे और 1,000 हाथों से बाणासुर वाद्य बजाता था और भगवान शंकर तांडव करते थे और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसकी राजधानी की रक्षा किया करते थे। 500 वाद्य बाणासुर अकेले बजाता था। काश आज भी कोई बाणासुर होता ना, 500 सही दो चार ही 5 बजा लेता, उसकी दक्षा बन जाती, बढ़ जाती और अपना काम हल्का हो जाता। श्री राधे। लेकिन अच्छा है, कम से कम इतने लोगों का भला हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक साथ 500 वाद्य बजाया करता था बाणासुर और भगवान शंकर नृत्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके हाथ काटने शुरू किए। जब 4 हाथ रह गए तब भगवान शंकर आए और बोले कि प्रभु ये मेरा भक्त है, इसको मारो मत। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोले बाबा, यह मेरे भक्त प्रहलाद जी के वंश में जन्मा है, इसलिए मैं इसे तो वैसे भी नहीं मारूंगा, इसे तो मैंने अपना स्वरूप प्रदान किया है, अब इसके 4 हाथ ही रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे राधे। बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में किया। एक बार भगवान के पुत्र जंगल में घूम रहे थे कि एक कुएं में उन्होंने बहुत बड़े विशाल गिरगिट को देखा। भगवान के पुत्रों ने आकर के भगवान से कहा कि अरे इतना बड़ा विशाल गिरगिट तो हमने कभी देखा नहीं। भगवान आकर के उसका स्पर्श करते, भगवान का स्पर्श पाते ही वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि महाराज, अगर आपने दानियों का नाम सुना हो तो उसमें सर्वप्रथम नाम मेरा आता है। कोई चाह करके वर्षा की बूंदों को गिन भी ले, लेकिन मैंने जितना गोदान किया है
उस गौदान की संख्या को कोई गिन नहीं सकता है। असंख्य गौदान किया है मैंने। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम गिरगिट क्यों बनी? क्या तुम बूढ़ी गायों का दान करते थे, अपाहिज गायों का दान करते थे, बीमार गायों का दान करते थे, जो दूध ना देवे ऐसी गायों का दान करते थे? तब राजा नग ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अच्छी दुधारू सीधी गाय का दान करता था, जवान गायों का दान करता था, गायों को सींग सोने से मढ़ करके सजा करके वस्त्र आभूषण से फिर उनका दान किया करता था। तो फिर भैया तुम गिरगिट क्यों बनी? तब राजा नग ने कहा कि मेरे से एक अपराध बन गया था कि मैंने एक गाय किसी अयाचित ब्राह्मण को दान की और वह गाय उसकी गौशाला से छूट करके आकर के मेरे गौशाला में मिल जाती है और मैंने वही गाय फिर दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी और फिर जब वो दूसरे ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहे थे तो जिन्हें मैंने वह गाय पहले दान की थी वह ब्राह्मण मार्ग में मिल जाते और कहते हैं कि यह गाय मेरी है। और दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास में आए और कहे कि राजन तुम न्याय करो कि ये गाय किसकी है। राजा पहले वाले ब्राह्मणों को कहता है कि चलो इनको गाय दे दें, तो अभी जिसे किया था वो कहता है नहीं ये गाय तो मैं लूंगा, जिसे पहले किया था उससे कहे कि तुम दूसरी कोई गाय ले लो। तो वह ब्राह्मण कहता है कि राजन मैं सहज में किसी से दान नहीं लेता, तुमने आग्रह किया था, तुम्हारे आग्रह से मैंने वो गाय ले ली थी, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं देना तो मत दो, अगर देना है तो वो गाय दो, नहीं तो नहीं, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। राजा ने अभिमान में भर करके कहा कि अरे इसमें इतना उत्त्यक्त क्यों हो रहे हो, अरे वह भी तो गाय मेरी है और मेरी गाय मेरे गौशाला में आकर के मिल गई और मैंने दूसरे को किसी को दान कर दिया तो क्या हो गया। ब्राह्मण दुखी होकर के घर को आ गए। हम अगर किसी को कोई वस्तु दान कर देते हैं तो फिर दान करने के बाद उस वस्तु के प्रति हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है, फिर वो वस्तु उसकी है। अगर हम फिर दान करने के बाद उस वस्तु पे अपना अधिकार जताते हैं तो हम पाप के दोष के अधिकारी होते हैं। दान करने के बाद फिर उस वस्तु के प्रति हमारा अधिकार नहीं रहता है। भागवत में लिखा है कि सुदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। कोई चाहे तो विष को भी पचा सकता है लेकिन ब्राह्मण के धन को पचा नहीं सकता है। कभी भी किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। प्रायः सा लोगों की कई बार प्रवृत्ति होती कि जो वस्तु अपने मतलब की नहीं है उसका दान कर दो। ऐसा नहीं, अगर आपको कोई वस्तु दान करनी है, किसी को देनी है, तो अच्छी से अच्छी वस्तु दो। ये नहीं कि कोई व्यक्ति भूखा है, गरीब है, तो उसको भोजन दोगे तो बासी भोजन दोगे, खराब भोजन दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को भोजन ही कराना चाहते हो तो उसको अच्छा बढ़िया भोजन कराओ, जैसे आप करते हो उसको भी वैसा ही कराओ। ये नहीं कि वो गरीब है तो उसको बासी खिलाओगे, सड़ा हुआ उसके सामने परोस दोगे, ना। किसी को कुछ दान करना है, किसी को कुछ देना है तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दान करें। भगवान को भी कोई वस्तु का भोग लगाना है तो अच्छी से अच्छी वस्तु का भोग लगाना है। ये नहीं खुद को खाने के लिए तो घर में कश्मीरी सेब लेकर के जाएंगे और मंदिर में चढ़ाना है तो वही पिलपिले केले। अरे नहीं श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, रहने तो कोई चढ़ाना जरूरी है। मजबूरी में दान करना अच्छी बात नहीं।
अगर दान करने की भावना है तो श्रद्धा से अच्छे से करो, किसी के आग्रह में आकर के नहीं कि बस करना ही करना है। भावना से दान होता है। अगर भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, भोग लगाना है, किसी मंदिर देवालय में भी अगर कोई सेवा करनी है, वस्त्र आदि की ठाकुर जी की सेवा करनी, और भी कोई सेवा करनी है, तो अच्छी से अच्छी करो। ये नहीं किसी मंदिर में कहीं किसी जगह कोई वस्तु दान करनी है तो बस ऐसी रद्दी कर दो, कहीं किसी मंदिर में अगर बर्तन देने तो बस वही हल्के वाले दे दो, अथवा और कहीं किसी जरूरत को किसी चीज को देना है तो बस ऐसी दे दो। किसी को दे रहे हैं तो ऐसी वस्तु को दें जिसे प्राप्त करके उससे खुशी हो, आपको आशीर्वाद दे। किसी गरीब को भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं तो ठीक दें, ऐसा नहीं कि वो बेचारा 10 दिन पहने और फट जावे। कई बार लोग ठंडियों में स्वेटर दान करने के लिए जाते हैं तीर्थों में, वो स्वेटर 50 रुपए का 70 रुपए का स्वेटर होता है। आप ही बताइए 50, 70, 100 रुपए के स्वेटर से उसकी ठंडी रुकेगी? वो जनवरी का दिसंबर का जाड़ा क्या उस पतले से स्वेटर से रुक जाएगा? वो स्वेटर 2 धुलाई में एकदम चीथड़ा हो जाता है, किसी मतलब का नहीं होता है। अगर किसी जरूरतमंद को देना है तो ऐसा दोगे, कम से कम पहने और आपको दुआ दे, कम से कम उसका जाड़ा तो रुक जावे। लोगों के मन में भावना होगी कि लो जी आप ठंडी आ रही, चलो कंबल दान करके हमें चलो चलिए वृंदावन। वो कंबल ओढ़ने क्या बिछाने लायक भी नहीं होता है। अरे ऐसी बात थोड़ी है कि भैया आप रहीसों को ही ठंडी लगती है, उन गरीबों को भी ठंडी लगती है। अगर आपके मन में भावना है गरीब की सहायता करना, उसकी सेवा करना, तो ऐसा करो जिससे कम से कम उसका कम से कम अच्छे से अच्छा जाड़ा तो रुक जावे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे। राजा नग ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने अच्छी गायों का दान किया, सुशीला दुधारू गायों का दान किया, लेकिन एक अपराध हो जाने के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा, और मैंने जो गोदान किया उसका फल है कि आज मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में नारद जी ने भगवान की गृहस्थ लीला का दर्शन किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय यज्ञ करना चाहा तो उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने भगवान को सपरिवार निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ का एक विधान है कि सभी राजा अपने अनुकूल करने पड़ते हैं। सभी राजा आपके अनुकूल हैं, लेकिन मगध का बिहार का राजा आपके अनुकूल नहीं है, आपके अनुगत्य नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के जाते हैं और जरासंध से भिक्षा में युद्ध मांगते हैं। भीम का जरासंध के साथ में युद्ध हुआ, भीम जरासंध को युद्ध में मार देते हैं, और उसके यहाँ पर जो 10,000 राजा बंदी थी उन राजाओं को भी छुड़ा करके ले आते हैं। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए, इस बात का विचार हो रहा था कि सर्वसर्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूजा के अधिकारी तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन शिशुपाल ने कहा कि श्री कृष्ण की प्रथम पूजा नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि भैया इनकी प्रथम पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? तब उसने कहा कि मत पूछो, मेरी जिस कन्या से शादी होने वाली थी उस कन्या को ही ये उठा करके ले गया, इसलिए चोर है, और ऐसी चोर की प्रथम पूजा नहीं होनी चाहिए।
भगवान को गाली देने लग गया। भगवान ने इसकी माता को वचन दे रखा था कि एक दिन में 100 अपराध 100 गाली में इसकी माफ करूंगा। जब ये गाली देता ही चला जा रहा था भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल अब तुम्हारी अवधि पूरी हो रही है। और जैसे ही उसने 100 गाली पूरी की और 101 गाली दी, भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन प्रकट करके उसका मस्तक अलग कर देते हैं और उसके अंतर हृदय से एक ज्योति निकली और भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कोषागार का भार कर्ण और दुर्योधन को दिया, जबकि कोषागार का भार हमेशा विश्वास पात्र और हितैषी व्यक्ति को दिया जाता है। और दुर्योधन कर्ण तो पांडवों से बैर मानते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने कोषागार का रुपए पैसे का धन का जिम्मेदारी इनको क्यों प्रदान की? इसीलिए क्योंकि कर्ण और दुर्योधन के हाथ में कमल की रेखा थी। और ज्योतिष का ऐसा मानना है कि जिसके हाथ में कमल की रेखा होती है, वह व्यक्ति जितना ज़्यादा दान करेगा, खर्च करेगा, उससे दुगना भंडार में उसकी तिजोरी में आकर के भर जाएगा। इस रहस्य को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे, खुद ना तो दुर्योधन जानता था न कर्ण जानता था। भगवान ने सोचा कि द्वेष में आकर ये दोनों खूब ज़्यादा खर्च करेंगे कि धन कम पड़ जावे, और ये जितना ज़्यादा खर्च करेंगे धन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और पांडवों का यज्ञ उतना ही ज़्यादा सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोगों में से कोई दिखवा ले सकते हो पंडित जी को? शायद हो सकता है आप लोगों में से किसी के हाथ में कमल की रेखा हो। नंदा जी आप भी दिखवा लेना पंडित जी से। जय हो। वैसे तो नंदा जी बहुत सेवा करते हैं ब्रज में हर जगह भी, लेकिन फिर भी शायद अगर कमल की रेखा इस बात का पता चल जाएगा तो शायद कुछ और बढ़ा देंगे। हैं श्री राधे। लेकिन अभी मत आ जाना सारे इकट्ठे होकर के पंडित जी के पास में, नहीं तो कहो तो सभी भीड़ ऊपर नीचे से ऊपर हो जावे यहाँ पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो राधा रानी की। लेकिन भोजन बनाने का दायित्व दिया भीम को, क्यों? क्योंकि जो बढ़िया अच्छा खाने का शौकीन है वही किसी को बढ़िया अच्छा खिला सकता है। जिसे 10 तरह की बीमारी लगी हैं, जो खुद 2 रोटी खाने वाला है, 1 रोटी खाने वाला है, वो सोचेगा कि वो भी ऐसे ही होगा। अरे हमारे ब्रज में तो 24 लोग तो 2-2 किलो 4-4 किलो रबड़ी अभी भी खा जाते हैं। अभी इस समय 2-2 किलो 3-3 किलो रबड़ी खा जाते हैं, 1-1 चौबे। पहले तो भांग का गोला लेते हैं, फिर उसके बाद फिर रबड़ी लेते हैं। मथुरा की एक सत्य घटना है कि कोई एक बड़े के व्यापारी, कोई सेठ मथुरा गया, काफी पुरानी बात हो गई, दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। तो वहां के जो पंडे थे, चौबे थे, उसके पीछे पड़ गए। अरे भाई भगत यहाँ पर आया मथुरा में दर्शन करने के लिए, तो कम से कम ब्राह्मणों का मुंह तो मीठा करा जा। हैं? वो था बड़ा कृपण कंजूस था, धनी तो था लेकिन कंजूस भी बहुत था। वो कुछ ना बोलता, चुप ही रहता, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर दर्शन करता, लेकिन कहीं ठंडी ना चढ़ाना, ना किसी को एक पेड़ा देना। लेकिन वो चौबे भी पक्की थे, पीछे ही पड़ गए उसके। अरे कहा भाई इतनी भी पक्की छाती काहे करता है, ज्यादा कुछ नहीं दे, 4 पेड़े ही खिला दे, हम तो 1-1 पेड़े से ही खुश हो जाएंगे। वो ज्यादा गुस्से में झुंझरा करके बोला कि हाँ खिलाऊंगा, कौन खाएगा आगे आए पहले? तो कहा कौन एक आगे के, हम तो सबरे ही आगे हैं, बताओ किसको किसको खिलाओगे? क्या मैं उसको खिलाऊंगा जो 10 किलो रबड़ी खाएगा और दक्षा में 10,000 रुपया दूंगा, बोलो कौन खाएगा?
मैंने भी बड़ा नाम सुना है मथुरा का कि बड़े खाने वाले यहाँ के चौबे रबड़ी। बोलो खाएगा कोई 10 किलो रबड़ी? अब ये बात पूरे मथुरा में फैल गई। किसी ने कहा कि मैं 2 किलो रबड़ी खा सकता हूँ, किसी ने कहा 3 किलो खा सकता हूँ, किसी ने कहा कि भैया मैं 4 किलो खा लूँगा, कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत बांधा उसने कहा कि मैं 5 किलो खा सकता हूँ, किसी ने कहा कि ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 5.5-6 किलो तक भी खा सकते हैं, लेकिन 10 किलो रबड़ी नहीं खा पाएंगे भाई। अब ये तो बात पूरे मथुरा में घूमने लग गई। एक चौबे जी ने कहा कि भैया हम खाएंगे तुम्हारी 10 किलो रबड़ी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोलो। क्या कि हम 5 किलो रबड़ी पहले खाएंगे, फिर अपने घर तक दौड़ लगाएंगे, फिर घर से दौड़ते दौड़ते फिर आएंगे, फिर 5 किलो रबड़ी खाएंगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, क्या कितनी दूर है तुम्हारा घर का? कि ये रहा 2 मिनट का रास्ता है। उसने मान लिया। 5 किलो रबड़ी तौली गई और चौबे जी के सामने परोसी गई। चौबे जी ने 5 किलो रबड़ी एकदम साफ कर दी, इतनी सी भी नहीं बची। फिर घर तक दौड़ लगाए, फिर घर से दौड़ते दौड़ते आए, फिर बैठे, फिर 5 किलो रबड़ी खा गए। अब वो सेठ नीचे से ऊपर तक देखे और बड़ा अचंभित कि ये 10 किलो रबड़ी खा कैसे गए और मेरे सामने इन्होंने खाई है, मना कैसे कर दूं? कुछ पीठ पीछे की बात हो तो मना भी करें, सामने सामने खिलाई, तुलवा करके खिलाई है। उसने 10,000 रुपये दक्षा दे दी और हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज ये बताओ कि आपने 10 किलो रबड़ी खाई तो खाई कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जबकि आपने मेरे आंखों के सामने ही खाई है, मना भी नहीं कर सकता मैं। तब उन चौबे जी ने कहा कि भैया देखो, हमें तुम्हारी दक्षा का लोभ नहीं है, ये तुम अपने पकड़ो 10,000 रुपया, लेकिन तुमने पूरे मथुरा को चैलेंज दिया था, इसलिए हमको ये लीला रचनी पड़ गई। ये क्या लीला है? क्या कि 5 किलो रबड़ी खा करके हमारा जुड़वा भाई घर में सो रहा है, जय हो, और 5 किलो रबड़ी खा करके 10,000 रुपये दक्षा लेकर के हम आपके सामने हैं। क्या ये लीला हुई थी? तो जो बढ़िया खाने वाला है वही किसी को बढ़िया खिला सकता है, इसलिए भगवान ने भोजन बनाने का दायित्व, भंडार की जिम्मेदारी भीम को दी, क्योंकि भीम भोजन के बड़े शौकीन थे, तरह तरह के व्यंजन बनवाते थे यज्ञ में, और परोसने का दायित्व द्रौपदी जी को दिया, क्योंकि जो भोजन परोसने वाला व्यक्ति है वो मृदुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं। और रोटी खानी है क्या? दूं कि नहीं दूं? अगर किसी को लेनी भी होगी तो भी कहते नहीं भैया बस पेट भर गया, रहने दो। अगर किसी को प्यार से कहा जाए अरे भैया आपने तो कुछ खाए नहीं, 1 चम्मच रबड़ी मेरे हाथ से लो और देखो ये कितने बढ़िया मोती चूर के लड्डू बनाए, लड्डू भी आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई बहुत आग्रह प्यार से खिलावे तो पेट भर भी गया हो ना तो भी कुछ और ज़्यादा खा लेता है प्यार और आग्रह से। तो द्रौपदी जी साधु संतों को जो आई हुई थी अतिथि उनको बढ़िया प्यार से नैवेद्य खिलाती हैं, और जितने भी संत जन वहां पर पधारे उनके चरणों को धोने की सेवा भगवान ने ली। जिनकी यज्ञ में प्रथम पूजा होनी है उन्होंने अपने ऊपर दायित्व क्या लिया कि जितने साधु संत महात्मा अतिथि आएंगे उनके चरणों को मैं खुद धोऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। इसी क्रम में पौंडरक वासुदेव की कथा श्रवण कराई है। एक पौंडरक वासुदेव था जो अपने आप को भगवान मानता था, वो कहता था कि मैं ही भगवान हूं, और काशी नरेश उसका मित्र था, उसके बहकावे में आ गया और भगवान श्री कृष्ण को एक धमकी भरा पत्र लिख करके भेज दिया कि देखो तुम दुनिया के लोगों को कह दो कि असली भगवान तो पौंडरक वासुदेव हैं,
तुम नकली हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारे साथ में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। नीचे हस्ताक्षर पौंडर्य वासुदेव। उद्धव जी ने कहा कि प्रभो लो जी, आपको नकली बता रहा है ये तो, और खुद को असली बता रहा है। भगवान ने कहा भी इस असली और नकली का विचार तो युद्ध भूमि में होगा, उसके भी मानने वाले बहुत हो गए थे। उसके जो भक्त लोग थे ना, उसके नाम की एक आरती भी बना रखी थी। और हमारी माताएं तो बहुत ही भूरी होती हैं, उनको कोई झूठे को भी कह देना कि वहां पर वो फलाने बाबा जी हैं, वो ऐसी भभूति देते हैं कि सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो बस वहीं पर भीड़ लग जाती है। हाँ। जय जय श्री राधे।